रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेक्चर नंबर 5, लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। इसका मैंने लेक्चर नंबर 1 शेयर कर दिया था आप सब बच्चे ने चैनल के ऊपर, आप सब बच्चों को वो वाली वीडियो वाला लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आज मैंने आपके साथ शेयर करना है लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 है मेरे पास फूड चेन, ठीक है जी। In the diagram of the ecosystem, you can see how plants and the animals are linked together by the passage of food between them. वो कह रहे हैं कि आप figure 5.2 के अंदर देख सकते हैं किस तरह से क्या चीज़ ये plants और animal एक दूसरे से खुराक की बिना पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मुंसलिक हैं, linked हैं। This is shown by the arrow going to from the food to the feeder in a food chain. The organism that makes the food, अब वो कह रहे हैं एक फूड चेन में जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है, बना रहा है, वो क्या है प्रोड्यूसर है द प्लांट, ठीक है जी। जो अपना फूड खुद बना रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म दैट ईट द फूड फूड इज कॉल्ड कंज्यूमर, और जो ऑर्गेनिज्म उस चीज़ को खा रहा है, यानी कि उस पे डिपेंड कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कंज्यूमर कहते हैं, ये कंज्यूमर है। मोस्ट फूड चेन्स आर मच लॉन्गर देन दिस, जो फूड चेन होती हैं वो इससे भी ज़्यादा बड़ी होती हैं, क्योंकि एक चीज़ के ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द यूरोपियन वुडलैंड हैबिटेट वुड माइस ईट प्लांट। देखिए, यूरोपियन वुडलैंड के अंदर वुड माइस जो है वो क्या करती है, वो प्लांट को खाती है। एंड टेनी आउल्स ईट माइस, और जो टेनी आउल्स होते हैं, यानी कि उल्लू होते हैं, आउल्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो खाते हैं इस माइस को, जो और माइस क्या खा रही थी, प्लांट, और आउल्स क्या खाते हैं, माइस को, ठीक है। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस प्लांट ने वुड माउस ने प्लांट को खाया, और आउल ने माउस को खाया, ठीक है जी। द प्लांट इज़ द प्रोड्यूसर, द वुड माउस इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर। अब वो कह रहे हैं प्लांट क्या है, ये प्रोड्यूसर है, वुड माउस क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। द फर्स्ट कंज्यूमर ऑफ द फूड मेड बाय द प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड अ हार्बीवोर, और जो फर्स्ट कंज्यूमर होता है उसको हम लोग क्या, उसको एक दूसरा नाम क्या देते हैं, उसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर के अलावा हार्बीवोर भी कहते हैं। द टेनी आउल इज़ अ सेकेंडरी कंज्यूमर, और टेनी आउल क्या है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंड कंज्यूमर होता है वो सेकंड कंज्यूमर है, और टेनी आउल को सेकंड कंज्यूमर को दूसरा नाम क्या कहते हैं, कार्निवोर का दे देते हैं, ठीक है जी। यू कैन सी अ टेनी आउल अटैकिंग अ वुड माउस, ठीक है, फिगर 5.12 बहुत आगे है, पेज नंबर 77 पर, ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स खोल के देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं फूड चेन में भी इवन लॉन्गर। फॉर एग्जाम्पल, इन मैनी वर्मर प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड ग्रास होपर ईट प्लांट, फ्रॉग्स ईट ग्रास होपर, स्नेक ईट फ्रॉग, एंड हॉक ईट स्नेक। दिस कैन बी, यानी कि वो कह रहे हैं कि फूड चेन जो होती है वो बहुत लंबी लंबी होती है, आपको समझाने के लिए ऊपर उन्होंने छोटी बना के दी थी, लेकिन क्योंकि सारी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जैसे प्लांट ने ग्रास ऊपर ने प्लांट को खाया, फ्रॉग ने ग्रास ऊपर को खाया, स्नेक ने फ्रॉग को खाया, और हॉक ने स्नेक को खाया, ठीक है जी। अगेन द प्लांट इज़ अ प्रोड्यूसर, लेकिन हर चेन के अंदर आप देख रहे होंगे कि प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर का काम अदा कर रहा है, प्रोड्यूसर है वो खुद अपना फूड बना रहा है, वो किसी ऊपर डिपेंड नहीं करता। बट दिस टाइम द ग्रास ऑपर इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर, लेकिन इस टाइम अगर इस चेन को देखा जाए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रास ऑपर प्राइमरी कंज्यूमर है, एंड अ हार्बीवोर द फ्रॉग इज़ अ सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड अ कार्निवोर, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर इसको हार्बीवोर का भी नाम दे सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर का सबसे, उसको ग्रास ऑपर को प्राइमरी कंज्यूमर या हार्बीवोर है वो, और फ्रॉग जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर है। द स्नेक इज़ द थर्ड कंज्यूमर, द टर्शियरी कंज्यूमर। अब इसके अंदर देखा जाए तो स्नेक जो है वो थर्ड नंबर पर आ रहा है, यानी कि उसने तो इसको स्नेक को क्या कहते हैं, हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर भी कहते हैं, एंड ऑल्सो कॉल्ड कार्निवोर, उसका टर्शियरी कंज्यूमर को भी दूसरा नाम भी क्या है, कार्निवोर है। एंड हॉक इज़ द फोर्थ कंज्यूमर, और हॉक जो है वो फोर्थ कंज्यूमर है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्ररी कंज्यूमर, और कॉन्ट्ररी कंज्यूमर का नाम भी दूसरा नाम भी कार्निवोर ही है, ठीक है जी। द हाइस्ट लेवल कंज्यूमर इन द फूड चेन इज कॉल्ड द टॉप कार्निवोर, और जो हाइस्ट लेवल कंज्यूमर होता है, जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, वो उसको हम लोग कहते हैं टॉप कार्निवोर। अब वो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, ये हमारे पास पेज नंबर 69 के ऊपर, पेज नंबर 69 के ऊपर देख लीजिए।
सम एनिमल सच एज बियर्स फीड ऑन सम ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि जिससे बियर है वो प्लांट्स को भी खा सकता है और एनिमल्स को भी खा सकता है. तो उसको ऐसे एनिमल को जो कि बोथ प्लांट और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग उसको ओमनीवोरस का नाम दे देते हैं. एंड ओमनीवोर फीड्स एज अ प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट फीड्स ऑन प्लांट. अब वो क्या कह रहे हैं कि ओमनीवोर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर के तौर पे एक्ट करता है जब वो प्लांट खाता है, तो उसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कह देंगे. क्यों? क्योंकि उसने उस टाइम प्लांट खाया है. एंड एज अ सेकेंडरी और हाई लेवल कंज्यूमर, और सेकेंडरी या हाई लेवल कंज्यूमर का नाम हम लोग उसको तब देंगे जब वो कोई एनिमल को अटैक कर रहा होगा, कोई एनिमल खा रहा होगा. ठीक है जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं नीचे वाले नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग. ये देख लीजिए, बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी इन द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन द इकोसिस्टम. बायोडाइवर्सिटी क्या है कि हम लोग जब हम लोग डिफाइन कर रहे हों कि हमारे हमारे इन्वायरमेंट, हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इर्द गिर्द ये इतने नंबर ऑफ स्पीशीज रह रही हैं, तो उसको हम लोग क्या कर उसको हम लोग उस स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, उसके लिए हम लोग जो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस चीज़ को बताने के लिए कि हमारे इकोसिस्टम में इस तरह के स्पीशीज रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उसको हम लोग उसके लिए हम लोग यूज़ कर देते हैं टर्म बायोडाइवर्सिटी का. मोस्ट इकोसिस्टम हैव अ हाई बायोडाइवर्सिटी. मोस्ट इकोसिस्टम यानी कि हमारे जो ऑलमोस्ट ऑल जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट तरह के स्पीशीज रह रहे हैं. विच मीन्स दे हैव लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज शोन अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फीचर्स. जब हम लोग कहते हैं कि हमारी हमारा इकोसिस्टम के अंदर हाई बायोडाइवर्सिटी है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स और मुख्तलिफ तरह के लिविंग थिंग्स, मुख्तलिफ तरह के स्पीशीज रह रहे हैं, और हर स्पीशी का अलग अलग रोल है, हर स्पीशी का अलग अलग के पास अलग अलग फीचर्स हैं. इफ द बैलेंस बिटवीन सम स्पीशीज इन द इकोसिस्टम और बिटवीन द एबायोटिक फैक्टर एंड द कम्युनिटी इज डिस्ट्रॉयड, यानी कि अगर ये स्पीशीज अगर हमारा इकोसिस्टम में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस कॉज होगी, तो क्या होगा, द बायोडाइवर्सिटी मे फॉल एज सम प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई आउट. अब देखिए, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से, हमारे लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो हर लिविंग थिंग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड हैं. ठीक है, तो जब ये इकोसिस्टम हमारा डिस्ट्रॉय होगा, थोड़ा सा इसके अंदर कोई सी भी थोड़ी सी भी हमारे डिस्टर्बेंस कॉज होगी, तो इसमें से इसके थोड़े से भी डिस्टर्बेंस से बहुत से एनिमल्स, बहुत से प्लांट्स डिस्टर्ब होंगे, उनको वो कुछ तो इवन कुछ की डेथ भी हो जाएगी, क्योंकि जो वो प्लांट्स थे या वो एनिमल्स थे वो जो चीज़ डिस्टर्ब हुई है उसके ऊपर डिपेंड करते थे, जो चीज़ शॉर्टेज में आई है उसके ऊपर डिपेंड करते थे. ठीक है जी, इन्वेस्टिगेटिंग अ हैबिटेट सच एज वुड और पॉन्ड इज अ होम टू वाइड रेंज ऑफ द लिविंग थिंग्स. यानी कि वो कह रहे हैं एक हैबिटेट जिस तरह से वुड्स है ये पॉन्ड्स होते हैं, ये बहुत से लिविंग थिंग्स यहाँ पर रहते हैं, बहुत से लिविंग थिंग्स यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करवा रहे हैं. इट हैज़ अ हाई बायोडाइवर्सिटी. इसकी यानी कि इसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई है. क्यों? क्योंकि इसके वाटर के अंदर बहुत से तरह के जानदार मखलूक रहती है. ठीक है जी, व्हेन इकोलॉजिस्ट स्टडी अ हैबिटेट दे नीड टू कलेक्ट डाटा अबाउट इट. जब इकोलॉजिस्ट ने हैबिटेट को स्टडी किया, तो उन्होंने सोचा कि उनको एक डाटा उनको पास कलेक्ट होने की बहुत ज़रूरत थी, उनके पास एक डाटा होना चाहता. दिस नॉट ओनली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म दैट लिव देयर, बट द डाटा कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड एंड यूज टू मॉनिटर द हैबिटेट. अब ये ना तो सिर्फ ये वो डाटा ना तो सिर्फ ये बता रहा था कि इधर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, बल्कि एक ये डाटा हम लोगों को मॉनिटर भी कर रहा था उस हैबिटेट के बारे में, उस हैबिटेट के बारे में बहुत कुछ बता रहा था. एट अ लेटर डेट एंड द सर्वे कैन बी मेड एंड द डाटा ऑब्टेन कैन बी कंपेयर्ड विद द प्रीवियस डाटा. अब फिर कुछ टाइम बाद दोबारा से डाटा कंपेयर किया गया, नया डाटा कलेक्ट किया गया और उन दोनों डाटा को मैच किया गया. दे शो हाउ द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज हैव फेयर्ड इन द टाइम बिटवीन द सर्वे. अब उन दोनों डाटा के कंपैरिजन से पता चला कि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा चेंज हुई है, पॉपुलेशन बढ़ी. सम मे हैव इंक्रीज, अदर डिक्रीज एंड सम स्टेड द सेम. कुछ ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, कुछ की डिक्रीज हुई और कुछ का लेवल सेम रहा. बाय कंपेयरिंग द डाटा इन दिस वे द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट कैन बी मॉनिटर. इस तरह के डाटा को कंपेयर करके हम लोग बायोडाइवर्सिटी को मॉनिटर कर सकते हैं. देन इफ इट फॉल इवन क्लोज बाय सच एज अ चेंज इन लैंड यूजेस और द रिलीज ऑफ द पॉपुलेशन पोल्यूटन कैन बी स्टडी केयरफुली बाय द साइन ऑफ द एनवायरमेंटल डैमेज. ठीक है जी, एनवायरमेंटल डैमेज के थ्रू भी हम लोग इस चीज़ को
को अंडर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।